अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श, जी हाँ, मोहब्बत पाने का एक ऐसा अमल जो आप अगर अपने हाथों से बनाते हैं तो ये आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आपकी मोहब्बत को मुकम्मल करने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो भी लोग हैं जो कि अपनी पुरानी रूठी हुई मोहब्बत को फिर से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ये अमल उनके लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, आपकी ज़िंदगी में उनका साथ हमेशा के लिए बना रहे, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक कागज़ पे ये नक्श बनाना होगा, जो कि बहुत आसान है, 5 मिनट का आपका काम लगेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस अमल को कर रहे होंगे तो आपको कोई देखे नहीं, आपको कोई टोके नहीं, कोई ये ना पूछे कि भाईजान क्या कर रहे हैं, या कोई ये ना पूछे कि बहन ये क्या कर रही हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो बस यही रखनी है कि आप इसे अकेले में कीजिए, कोई और आपके आस पड़ोस में ना हो, आपको टोके ना। तो आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। हम तो आपको सिर्फ नक्श बता सकते हैं, काम बनाना या बिगाड़ना तो अल्लाह के हाथों में है। तो आप इसको कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल आता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे पूछ भी सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो। तो आइए अब आपको बताते हैं कि नक्श कैसे बनाना है। बेहद आसान है, आप बस जैसा मैं बना रही हूँ इसको सेम आपको कॉपी करना है और आपका काम हो जाएगा। आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसको करने का तरीका कितना आसान है। तो सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ के ऊपर आपको ये अमल बनाना है। तो एक पेन ले लीजिए और उसके बाद आपको इसको बना लेना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसे लंबाई में आपको इस तरह से एक नक्श बना के तैयार करना है। आपको इसे बिल्कुल सीधा बनाना है। आप चाहें तो स्केल की मदद ले सकते हैं इसको बनाने के लिए, और इस तरह से इसमें आपको 3 खाने बना लेने हैं। तो बीच में 2 लाइनें आपको खींचनी है, 3 खाने बन जाएंगे, और उसके बाद आपको 3 लाइनें खींचनी है। तो इस तरह से आप 3 लाइनें जब खींचेंगे तो यहाँ पर ये आपके टोटल 4 खानों का ये बन जाएगा। तो इधर इस तरफ से 3 पड़ेंगे, इधर से आपको सेम आपको ऐसा ही बनाना है। और अब आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है 11, और इधर भी आपको लिखना है 11, और ये जो बीच का खाना है यहाँ पर आपको लिखना है हम दुस, इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ नीचे आपको लिखना है अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रेमी या फिर प्रेमिका का नाम, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस नक्श को बना रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ नीचे लिख देना है। देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इस तरफ आपको उनकी माँ का नाम लिखना है, ठीक है। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 786 लिख लेना है। इस तरह से आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, ये आपका नक्श बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको एक नक्श बनाकर तैयार करना है, और उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो इसे आप कुछ इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि आपका जो नक्श है वो आप अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसको आपको इधर से फोल्ड करना शुरू करना है। इस तरह से इसको आपको फोल्ड करना है कि इसका जो फोल्ड था वो बाहर नहीं होना चाहिए, वो अंदर इस तरह से इसमें बंद हो जाएगा। और इसे आप पूरी तरह से अब इसे फोल्ड करते जाइए। पूरा आपने जब इसको फोल्ड कर लिया तो लास्ट वाला जो है आपको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है, ताकि ये पूरा अंदर ऐसे बंद हो जाए, और उसके बाद आपको इसका मुंह इस तरह से कर देना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने नक्श को पूरी तरह से मोड़ के बना दिया है। अब आपको इसे अपने तकिए के नीचे रख कर रात में सो जाना है,
और सुबह आपको उठना है। जब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इसे काले धागे से बांध कर, काला धागा अगर आपके घर में ना हो तो आप काले रंग का कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आप काले रंग का कोई कागज़ भी ले सकते हैं। उसमें इसको अच्छे तरह से लपेट कर आपको लेके जाना है घर से बाहर। और उसके बाद आपको इसे अपने घर के पास में कोई भी सुनसान जगह दिखे, जहाँ पे कोई ना दिख रहा हो, कोई आपसे कुछ पूछने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, उस जगह पर जाके आपको ज़मीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उसके अंदर इसे दबा देना है, और उसके ऊपर से आपको मिट्टी डाल देनी है। इस तरह से आप करेंगे तो जब आप वापस आ रहे होंगे, वापस आते ही घर पर आकर आपको हाथ पैर अच्छे से धो लेने हैं, साफ़ कर लेने हैं, और उसके बाद आप घर पर कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आपके महबूब का कॉल या आपके महबूब की कोई ना कोई खबर आपके पास ज़रूर आएगी, और आप देखेंगे कि आपके महबूब आपको फिर से प्यार करने लग जाएंगे। तो आप इस उपाय को कीजिए, ये नक्श आपके ज़रूर काम आएगा, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।